फ्रांस विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सभी अपनी कंट्री से, और मैसेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। तो सब कुछ बताएंगे हम स्पेशल साउथ कोरिया वाले फॉलोअर्स के लिए, भाइयों और बहनों के लिए जो साउथ कोरिया में है। फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। और फ्रांस के विजिट वीज़ा पर आप आकर पुर्तगाल भी आ सकते हो, स्पेन भी आ सकते हो, ठीक है, और आकर अपनी फाइल लॉक करवा सकते हो और पीआर हासिल कर सकते हो। सही हो गया। तो क्योंकि फ्रांस शेंगेन की कंट्री है, पूरे 26 कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो अगर आपको फ्रांस ने वीज़ा दे दिया तो। ठीक है, हो गया, आज आपको वेबसाइट बताता हूँ और आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से, अगर साउथ कोरिया से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी ये देखिए सारी वेबसाइट्स आ गई है। तो पहले तो मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, फ्रांस वीज़ा visas.gov.fr, ये वीज़ा है, ठीक है। और आप जब इस पे थोड़ी सी आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ, और आप सभी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, एशिया, यूरोप, ओशन, नॉर्थ अमेरिका, सारी कंट्री आ जाएगी, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, दुबई, इराक, इस ओमान, यमन, सीरिया, तुर्की, सभी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो। ये इंडिया से भी अप्लाई हो जाएगा, पाकिस्तान से भी हो जाएगा, मलेशिया से भी हो जाएगा, पाकिस्तान से भी हो जाएगा, फिलीपींस से भी हो जाएगा, सिंगापुर से भी हो जाएगा, सारी कंट्री से अप्लाई हो जाएगा। ये इंडिया से भी अप्लाई हो जाएगा, जापान से भी हो जाएगा, इंडोनेशिया से भी हो जाएगा, नेपाल से भी हो जाएगा, सभी कंट्रीज से, मालदीव से भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में। ये देखिए शॉर्ट स्टे वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा। एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा क्या होता है जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी वीडियो 2 मिनट और 24 सेकंड की हो चुकी है, इस पर पार्ट बनाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ें। एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा ये होता क्या है, अगर आप लॉन्ग स्टे लिए जाते हो, अगर आपकी मान लो कि आपने पास इंग्लैंड का वीज़ा है, ठीक है, तो आप इंग्लैंड जा रहे हो तो फ्रांस आपकी स्टे है 7 से 8 घंटे की, तो आपको पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा। उसमें क्या होता है कि अगर आपको वो वीज़ा मिल गया, आपको मोर मिल गई फ्रांस की, तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं,